नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 Pro वर्सेस Realme Nazo 50A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 3 इंच जबकि Nazo 50A में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 Pro में 0.32 इंच जबकि Nazo 50A में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 Pro में 192 ग्राम जबकि Nazo 50A में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Super AMOLED जबकि Nazo 50A में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 6.67 इंचेस जबकि Nazo 50A में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi Note 10 Pro में 1080x2400 और Nazo 50A में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 Pro में 85.8% जबकि Nazo 50A में 81.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 10 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nazo 50A में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Nazo 50A की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nazo 50A की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Nazo 50A में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Adreno 618 जबकि Nazo 50A में Mali-G 52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Qualcomm Snapdragon 732G और Nazo 50A में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 10 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Nazo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 10 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Nazo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में अप टू 512GB जबकि Nazo 50A में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 10 Pro में 5020mAh जबकि Nazo 50A में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 3 कलर्स जबकि Nazo 50A में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹17,605, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹17,499, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹18,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Nazo 50A की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹11,499, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹12,499 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi Note 10 Pro में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Nazo 50A की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 Pro आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 10 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y72 5G है, जो कि ₹20,990 में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy S25 5G है, जो कि ₹47,999 में मिलता है। तीसरा Oppo A16 है, जो कि ₹13,990 में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F22 है, जो कि ₹14,499 में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।